हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना मीशो हॉल। अभी मेरे को सारे पार्सल तो रिसीव नहीं हुए, बट जो दो मेरे को रिसीव हो गए हैं मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ शेयर करूँ। एंड प्लीज़ इग्नोर करना ये वॉइस बैकग्राउंड में जो आ रही है, क्योंकि मेरे साइड वाले घर में कंस्ट्रक्शन चल रहा है एंड पूरे दिन चलता रहता है। सो मेरे को जब भी टाइम मिलता है मैं सोचती हूँ कि मैं फिल्म कर लूँ, बट ये नॉन स्टॉप चलता रहता है जिसकी वजह से मेरी वीडियो में काफ़ी डिस्टर्बेंस आती है। बट यहाँ गाइज प्लीज़ इसके साथ वो करना थोड़ा। सो यार मैं ये दो मेरे को पार्सल रिसीव हुआ है एंड गाइस आप बिलीव नहीं करोगे इनमें क्या है। सो इसमें जो सेलिब्रिटीज़ ने कुर्ता वेयर किया है एग्जैक्टली वो मीशो पे मिल रहा था। एंड जैसे ही मैंने देखा मैंने सोचा कि मैं मंगाती हूँ एंड या सो मैंने ऑर्डर कर लिया। लेट्स सी अगर ये पिक्चर से एग्जैक्टली मैच करता है या नहीं। एंड ये सब अफोर्डेबल है, अंडर 700 है, कुछ भी एक्सपेंसिव नहीं है। तो सबसे पहले मैं ये वाला ओपन करने वाली हूँ। सो या इसको ओपन करके देखते हैं। तो ये कुछ इस टाइप की पैकेजिंग में आता है मीशो से। क्या है? ओके गाइस, ये कुछ ऐसा आया है बट आई एम नॉट श्योर। जो मैंने पिक्चर देखी थी सेम वो कलर है या वो डिज़ाइन, बट कोई नहीं ओपन करके देखते हैं। सो जानवी कपूर ने ग्रीन कलर का कुर्ता पहना था, मैं यहाँ पिक्चर अटैच कर दूँगी आप देखना। सो वो लिखा मतलब वो ऐसे दिखा रहे थे एंड इसके रिव्यू भी अच्छे थे, सो मैंने सोचा मंगाती हूँ। बट कलर बहुत अलग है, आई डोंट नो। मैं पैकेज से रिमूव करके दिखाती हूँ आपको। तो गाइस ये कुछ ऐसा है, प्रिंट और फैब्रिक ठीक है, लाइक ओके है, इतना कुछ फाइन नहीं है, कुछ मिक्स सा लग रहा है मेरे को फैब्रिक। बट जो डिज़ाइन उसने वेयर किया था और कलर वो ये दूर दूर तक नहीं है, मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो ये मेरे को बहुत अलग लग रहा है, बहुत डिफरेंट। एंड बहुत वो लाइट कलर दिख रहा था, उस पर डिज़ाइन भी अलग थे। इस पर पता नहीं कुछ अलग ही पैटर्न बना हुआ है विद गोटा पट्टी वर्क एज यू कैन सी। और वैसे ये लाइक पैटर्न तो उन्होंने सेम बनाया, जैसे वो भी थोड़ा सा फ्लोरल अनारकली टाइप सा लॉन्ग है सब कुछ, बट डिज़ाइन बिल्कुल भी सेम नहीं है और कलर बिल्कुल डिफरेंट है। सो यार मेरे को तो ये कुछ इतना खास समझ नहीं आ रहा है, बाकी इसको मैं वेयर करके दिखाती हूँ आपको। एंड ये जो है गाइज ये मेरे को पड़ ये 720 का, तो ये 706 का पड़ा है। एंड ये रेयन फैब्रिक है और इस पर 4.2 रेटिंग थी, सो इसलिए मैंने ये मंगाया। वो जो जानवी ने पहना है वो बहुत प्यारा लाइट ग्रीन कलर है एंड ये कुछ अलग से तोता कलर है एग्जैक्टली ये, और इन्होंने कॉपी करने की कोशिश की है बट नहीं गाइस मेरे को तो बिल्कुल नहीं समझ आ रहा है, बिल्कुल भी पसंद भी नहीं आया मेरे को। सो या एंड इसका इसके साथ इन्होंने दुपट्टा दिया है सेम, और इसकी पैंट्स दी नहीं है। वाह, मीशो वालों ने मेरे को पैंट्स दी नहीं है जबकि ये कुर्ता सेट था, सिर्फ इन्होंने मेरे को दुपट्टा दे दिया है। ये दुपट्टा जब भी ठीक है, दुपट्टे का लाइक फैब्रिक अच्छा है फिर भी, और इस पर डिज़ाइन भी थोड़े ठीक बने हैं फ्लावर प्रिंट काइंड ऑफ। बट जो गाइज ये है कुर्ता, ये तो पता नहीं बिल्कुल भी दूर दूर तक जानवी कपूर के कुर्ते से मैच नहीं कर रहा है। सो मेरे को तो बिल्कुल पसंद नहीं आया ये। या मैंने फर्स्ट टाइम कुर्ता मंगाया है एंड मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था कि ऐसा होगा। और ये देख सकते आप, मेरे को इसके साथ कोई पैंट्स नहीं मिली है। सो ये मैं अभी आपको वेयर करके दिखाती हूँ कि ये कैसा लग रहा है। सो गाइस मैंने पूरा कुर्ता वेयर कर लिया है एंड ये दूर से लाइक पिक्चर में कोई इतना वो नहीं कर पाएगा, पिक्चर में जब भी ये लग सकता है थोड़ा बहुत सेम, बट पास से देखोगे तो ये नहीं लग रहा है, उसका कलर बहुत डिफरेंट था। बट या ये कुछ ऐसा लग रहा है पहनने के बाद, तो फैब्रिक फिर भी ठीक है, लाइक कुछ ऐसे मेरे को चुभ नहीं रहा है और दुपट्टा भी सही है, बट पैंट्स है नहीं तो मैंने नीचे अपना पजामा पहन लिया है। आपको दिखाती हूँ कैसा लग रहा है। सो ये गाइस कुर्ता ऐसा दिख रहा है, अगर आपको अच्छा लगे आप परचेस कर सकते हो, बट मेरे को तो इतना खास नहीं लगा।
क्योंकि कलर और इस पे जो डिजाइन बना हुआ है वो मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद आया। सो गाइज अब हम नेक्स्ट वाला ओपन करके देखते हैं, लेट्स सी इसमें भी हमें कुछ ढंग का मिलेगा या नहीं। सो मेरे को ओके नहीं, सरप्राइजिंगली ये वाला एग्जैक्टली सेम है, लाइक सेम डिज़ाइन प्यार अडवानी में, और ये सेम एज इट इज़ है, कलर भी सेम है। सो इस वाले से तो मैं काफ़ी इम्प्रेस्ड हूँ। ओपन करके देख लेते हैं इसका फैब्रिक वगैरह कैसा है। ओके गाइस, इसका फैब्रिक भी बहुत फाइन है, लाइक जैसा मैंने वेयर कर रखा है एग्जैक्टली वैसा ही है। और ये वी नेक है, आप देख सकते हो इसका प्रिंट कितना अच्छा है। सेम है गाइस, ये बिल्कुल सेम, मतलब एज इट इज़ जैसा पिक्चर में दिख रहा था, 3/4 स्लीव्स के साथ यही डिज़ाइन है, और लेंथ भी सेम है, स्ट्रेट फिट कुर्ता था। सो या ये इसको तो मैं पक्का रखने वाली हूँ, वो मैं रिटर्न कर दूँगी पहले वाला। एंड दुपट्टा भी गाइस सेम है, और दुपट्टे का फैब्रिक इतना अच्छा है, लाइक बिल्कुल सॉफ्ट, जैसे मैंने मिंत्रा से कुर्ते मंगाए थे बिल्कुल वैसे ही फैब्रिक का है। एज यू कैन सी, इसको मैं आपको दिखाती हूँ कितना अच्छा लग रहा है, देख सकते हैं पूरा प्रिंटेड में है, एंड ये वेयर करने के बाद भी काफ़ी अच्छा लगेगा। और इसके साथ इसकी पैंट्स है जो कि कुछ ऐसी दिखती है, और इस पर भी प्रिंटेड डिज़ाइन है। सो ये वाला तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, और ये पूरा सेट आया लाइक, और ये मेरे को पड़ा था 4 रुपीज़ 6.59 या 6.73 का था, उसमें पर्पल ग्रीन बर्गंडी कलर है, और ये फैब्रिक रेयॉन है, और इसकी 4.3 रेटिंग थी, और इसमें साइज़ आपको मिल जाएगा स्मॉल से लेकर डबल एक्सएल तक। तो ये वाला तो आप डेफिनेटली परचेस कर सकते हो अगर आपको सेलिब्रिटी की तरह देखना है, उनके सेम डिज़ाइन पहनने कुर्ता सेट। बट ये ग्रीन वाला मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ये पता नहीं क्या है, ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे फैंसी ड्रेस में पहनते थे वो कपड़े मिलते थे उस टाइप का। सो या गाइस, ये छोटा सा हॉल था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। सो या गाइस, ये सबकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, अगर आपको पसंद आया हो तो आप परचेस कर सकते हो। एंड या आप मेरे को बताना आपको ये वाला कैसा लगा, ये वाला कुर्ता। अगर आप कोई और हॉल देखना चाहते हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हो, मैं और वीडियो बना सकती हूँ सेम उस पर। सो या इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय गाइज़।